अपने भांजे के साथ अवैध प्रेम संबंध मामी को पड़ गया भारी। मामी का गला काट फरार हुआ भांजा दिल्ली से गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन पिल्हार पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को लगी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वानकोटी ने विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हुए अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच पूरे मामले की छानबीन की। घटना से जुड़े हुए हर पहलू की बड़ी बारीकी से जांच करते हुए महज 3 दिनों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल का रास्ता दिखाया। शुरुआती जाँच से पता चला कि बीते 2 सालों से भांजे का अपने मामी के साथ अवैध संबंध था। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर लगातार वाद विवाद चल रहा था, जिसका नतीजा खूनी खेल में तब्दील हो गया। आखिरकार भांजे ने अपनी ही मामी का गला काट दिया और घटनास्थल से फरार हो गया। आइए आपको दिखाते हैं पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वानकोटी ने क्या जानकारी दी। 2024 को सुबह 9:30 बजे पुलिस स्टेशन को एक महिला की डेड बॉडी हरवटेपाड़ा धानीबाग में जंगल में गिरी है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं खुद डिटेक्शन ऑफिसर EPI स्वपन पाटिल, EPI हिरण हुए, सभी लोगों ने हम उस स्पॉट पे जाके विजिट किया। विजिट करके वहाँ पे एक लेडीज़ की डेड बॉडी गिरी हुई दिखाई दी, उसका गला काटा गया था, 2 जगह पे स्टैबिंग हुआ था। प्रथम तौर पे कि उसका मर्डर करके डेड बॉडी फेंक दिया ये दिखाई दे रहा था, इसके लिए इनको ये पहली बार पता चला जो सरपंच थे उस गाँव के, उनका हमने स्टेटमेंट लेके 302-201 के तहत केस दर्ज किया। उस स्पॉट विजिट में हमें कंडोम्स मिले थे और एक लुब्रिकेंट्स का कवर मिला हुआ था। उस कवर के ऊपर जो बैच कोड रहता है, वो कोड यहीं से कहीं यही अपने एरिया से वही मेडिकल से खरीदा हुआ होगा, ऐसे अंदाजा करके मैंने डिटेक्शन ऑफिसर EPI पाटिल साहब को ये कौन से मेडिकल में से बेचा गया है जरा पता कर लीजिए, कि मैंने उनको आदेश दिया। वो हर मेडिकल में जाके पता कर रहे थे तो धानीबाग के एक मेडिकल में से वो लुब्रिकेंट्स एक 20-22 साल के उम्र के लड़के ने खरीदा हुआ है ये पता चला, तो CCTV में भी ऐसा दिखने में आया। इन बिटवीन हम लोग जो डेड बॉडी जो मिली थी उसने बुरका पहना हुआ था, तो उस हिसाब से वो मुस्लिम की लेडीज़ की डेड बॉडी है ये पता चला था। इसके लिए हम लोग अपने एरिया में मुस्लिम लोग जितने भी रहने वाले हो, मतदार यादि में नाम जिनका है, वो हम लोग ढूंढ रहे थे। तो EPI पाटिल साहब को तो एक घर में 2 बच्चे रोते हुए दिखाई दिए, उनके बारे में पता किया तो अड़ोस पड़ोस में पता किया तो पता चला कि 3 दिन से उनकी मम्मी गायब है और उनके मिस्टर जो है पुलिस स्टेशन गए हैं। तो साइमल्टेनियसली वो पुलिस स्टेशन भी आए थे, तो उनको पूछने के बाद पता भी चला और उनको जो लेडीज़ के ऊपर से जो बंगड़ी मिली हुई थी, उनके कपड़े वगैरह दिखाई दिए, उसके पैर की उंगली छोटी थी, वो फोटो के ऊपर से दिखाने के बाद उन्होंने पहचान लिया कि उनके ही औरत की यह डेड बॉडी है। तो फिर भी और ज़्यादा पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमने उनको जैसे हॉस्पिटल में डेड बॉडी दिखने के लिए भेज दिया। डेड बॉडी दिखने के बाद उन्होंने बता दिया कि ये डेड बॉडी उनकी औरत की ही है। उनके पास जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उससे पता चला कि उनकी औरत का और उनका सगा भांजा है, उनका 2 साल से अफेयर चल रहा था और 2-4 दिन पहले उसने इस एरिया में भी देखा था और उन्होंने मारा होगा ऐसा उन्होंने शक जाया। उसका मोबाइल नंबर उनसे हमें मिलने के बाद उस मोबाइल का हमने एनालिसिस किया तो वो दिल्ली में है ऐसा पता चला। तो तुरंत हमारे डिटेक्शन ऑफिसर सोपन पाटिल और स्टाफ दिल्ली गए और कल रात को उसको ताबे में ले लिया और आज सुबह हमने अरेस्ट किया है। कोर्ट में रिमांड के लिए भेज दिया गया था, कोर्ट ने 10 तारीख तक रिमांड मंजूर किया है। मर्डर की उम्र क्या है सर? उनका 35 साल। और जो आरोपी है सर वो उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में बेसिकली सिद्धार्थ का रहने वाला है और मोल मजूरी करके रहता है।